डॉक्टर अंबेडकर जयंती और भीम नगरी समारोह आयोजन समिति द्वारा सन 1957 से निरंतर जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी भीम नगरी के आयोजन पर कोरोना का ग्रहण लग चुका है। देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली गेट स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने जानकारी दी कि कोविड 19 के कारण आगरा में जिला प्रशासन ने 12 अप्रैल से 20 अप्रैल तक रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है, जिसके चलते डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शोभा यात्रा एवं इस तरह के कार्यक्रमों के समय में परिवर्तन किया गया है। अंबेडकर जयंती पर भारी संख्या में निकलने वाले शोभा यात्रा की रौनक इस वर्ष देखने को नहीं मिलेगी। बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण और नाइट कर्फ्यू ने अंबेडकर जयंती की रौनक कम कर डाली है। अंबेडकर जयंती समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर GS धर्मेश ने कहा कि 14 अप्रैल को दोपहर 12 बजे अंबेडकर जयंती समारोह के बाद शोभा यात्रा निकलेगी। पहला हाथी अंबेडकर भवन नाला कांजीपाड़ा से, दूसरा हाथी नाला कांजीपाड़ा और तीसरा हाथी केंद्रीय समिति की ओर से अंबेडकर पार्क के निकट से प्रारंभ होगा। यह तीनों हाथी 12 बजे सिर्फ कंचन होटल चक्की पाट बाजार में एकत्रित होंगे। वहां से परंपरागत निर्धारित मार्ग शिवाजी मार्केट बिजली घर चौराहा, जामा मस्जिद चौराहा, जौहरी बाजार, रावतपाड़ा, नीम दरवाजा, बिजली घर, बस स्टैंड और जिसके बाद श्री रामलीला ग्राउंड भीम नगरी मंच पर रात्रि 8 बजे पहुंचेगी, जहां डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। और पार्लियामेंट दोनों का जो स्वरूप है और लगभग 150 मीटर बाई 50 मीटर का ये मंच हमारा जो रहेगा, जो क्योंकि राष्ट्रपति आने वाले थे, हमने उसकी पहले ही घोषणा कर दी थी कि राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट दोनों के रूप में एक संयुक्त ये मंच का ये पहली बार ऐसा हुआ है। और 2001 में जब मैं भीमनगरी का अध्यक्ष था गोपालपुरे में, उस समय भी ये पार्लियामेंट बनी थी, तो एक भव्य मंच तैयार किया गया है और कलकत्ता के कारीगर आकर के उसको जो उन्होंने जो तैयार किया है, आप देखेंगे तो स्वयं प्रशंसा करेंगे कि बहुत अच्छा कार्यक्रम इस बार होने जा रहा है। नाला काजीपाड़ा से शोभ यात्रा सैकड़ों की संख्या में झांकियां निकाली जाती हैं, हाथी निकाला जाता है। मैंने रात को सभी नेतृत्व है अपना उसको सूचना कर दी है और उनको फोन पे से भी संपर्क किया है कि 14 तारीख को थोड़ी सी आवाजाही में थोड़ी सी कोरोना के काल के देखते हुए थोड़ी सी ढील दें, आने जाने वालों को परेशान ना करें। मैंने सभी अपने नेतृत्व को इस अवगत करा दिया है। यही मेरा है कि सभी शहरवासियों से अम्बेडकर जयंती को बड़ी धूमधाम से बनाएं, कोरोना का पालन करें। मुझे मात्र इतना निवेदन करना है कि इस बार की जो परिस्थितियाँ प्रोटोकॉल जो हमारे बीच में कोविड का जो प्रभाव आया है उसकी वजह से बनी है, उसकी वजह से 1979 में भी दोपहर में हमने झांकी निकाली थी। इस बार भी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि दोपहर में ही झांकी 12 बजे प्रारंभ कर देंगे 14 अप्रैल की, और रात के 8 बजे तक उसे समाप्त कर दिया जाएगा। बाकी कार्यक्रम भी बता दिए गए हैं आपको, 15 का 16 का 17 का। इस अवसर पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब के जन्मोत्सव के अवसर पर जो लाखों लोगों में श्रद्धा है, आगरा के लोगों में भावना है, वो सब इस बात से प्रदर्शित होती है कि सैकड़ों संख्या में झांकी निकालने के लोग तत्पर हैं, लेकिन समय का परिवर्तन गर्मी की वजह से झांकियाँ में उतनी बढ़ोतरी नहीं हो पाई है। मैं आपके माध्यम से ये अपने साथियों से अम्बेडकर अनुयायियों से कहना चाहता हूँ कि वे बाबा साहब के इस जन्मोत्सव को बहुत ही धूमधाम के साथ बनावें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की ये 130वीं जन्म जयंती रजत जयंती के रूप में हम मनाने जा रहे हैं। दुर्भाग्यवश कोविड 19 की वजह से हमारा 2 वर्ष से ये कार्यक्रम जो है छिन्न भिन्न हो रहा है, लेकिन बड़े शिद्दत के साथ और जोश गर्मी के साथ 2021 में रजत जयंती का हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। परिस्थितियां कैसी भी रही हों, बुलंद हौसले होते हैं तो मंजिलें आसान होती हैं। इसी क्रम में हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को दिन के 12 बजे से निकालेंगे और विभिन्न पुराने क्षेत्रों से होते हुए रावतपाड़ा, पीपलवंटी, फुलड्डी, फुलट्टी बाजार, दीवानी, कोतवाली होते हुए हम सरवट्टी चौड़ाई पे पहुँचेंगे और सभी क्षेत्रों से होते हुए रात्रि को करीब करीब 8 बजे हम
भीम नगरी के मंच पर पहुंचेंगे, जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थापित करेंगे और 15 तारीख को रात्रि को 6 बजे से हम 6:30 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ कर देंगे, जो रात्रि को हम 8:30 बजे तक सबको समापन कर लेंगे। 16 तारीख को जो भीमनगरी के मंच पर शादियाँ होती हैं, दहेज रहित आदर्श विवाह बौद्ध रीति से किए जाएंगे, ये शादियाँ बड़ी धूमधाम से होंगी। विगत वर्ष भी कोरोना संक्रमण के चलते देश भर में सभी प्रकार के सामूहिक आयोजनों पर शासन प्रशासन द्वारा रोक लगा दी गई थी। इसके चलते कोई भी आयोजन संपन्न नहीं किया गया था। वर्ष 2021 में प्रशासन से अंबेडकर जयंती की अनुमति मिलने के बाद एक बार फिर आयोजन समिति के पदाधिकारी आयोजन को भव्य बनाने के लिए पुरजोर तरीके से मेहनत कर रहे थे, लेकिन एंड वक्त पर बढ़ते कोरोना संक्रमण आयोजन की भव्यता बिगाड़ कर रख दी। अंबेडकर केंद्रीय कमेटी के अध्यक्ष भरत सिंह पिप्पल ने बताया कि समिति के सभी अधिकारी आयोजन को भव्य बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे, जिसके लिए राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन कोरोना के कारण आयोजन में आने की सहमति नहीं दी। इसके अलावा शोभा यात्रा का समय बड़े परिवर्तन होने के साथ शोभा यात्रा में जाने वाले सभी लोग मास्क लगाएंगे और सैनिटाइजेशन समय समय पर करेंगे और सभी शोभा यात्रा में लगभग 20 मीटर की दूरी आपस में बनाए रखें। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए सोनू कश्यप के साथ रणजीत चौहान की रिपोर्ट।